हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई चमचमाती वीडियो में। और भाई आप इतना प्यारा रिस्पांस दे रहे हो ना वैगनार ऑल्टो पे, आपकी वैगनार की वीडियो देखते हैं भाई हमारे पास एक और नई वैगनार 2021 वाली वेरिएंट आ गया है, जो कि सीधा अपना मंदिर से हमारे पास है, यानी कार डिजाइनर नाहरपुर में आई है और घर पे भी नहीं गई है। घर पे भी हम ही इसकी डिलीवरी करेंगे यहाँ से, उसके बाद ही घर पे जाएगी। इस गाड़ी में काफी बढ़िया इंटीरियर और एक्सटीरियर काम हो रहा है, एक तरीके से ऑल इन ब्लैक इंटीरियर और ऑल इन ब्लैक एक्सटीरियर काम हो रहा है। और बाकी म्यूजिक वगैरह, डैम्पिंग वगैरह काफी सारा काम है, फ्लोरिंग हो चुकी है इसमें, सीट कवर में थोड़ा लेट हो गया शूट करने में, लेकिन अभी इस गाड़ी में कुछ काम हो चुका है, कुछ काम अभी चल रहा है। तो आपको वन बाय वन सारा काम दिखाते हैं और आप मेरे साथ वीडियो बने रहिए। और आप देश भाई से पूछते हैं कि भाई क्या क्या काम इसमें चल रहा है और क्या क्या होने वाला है, तो आप मेरे साथ वीडियो बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एंजॉय करिए। तो भाई ये अपनी वैगनार 2021 वाली, इसमें कुछ काम हो चुका है, कुछ काम चल रहा है डैम्पिंग वगैरह का। पहले अवधेश भाई से पूछते हैं, अवधेश भाई बताओ क्या क्या काम किया जाए आपने गाड़ी में। सर इसमें हमने वैसे ओवरऑल बता दो, बाकी मैं ओवरव्यू दे दूंगा, आप बता दो क्या क्या काम हुआ है। बम्पर प्रोटेक्टर लगाए हमने। अच्छा, बम्पर प्रोटेक्टर, लाइट क्रोम लगी है। हाँ हाँ, ये अपनी क्लाइडिंग लगी है, ठीक है। ये डोर वाइजर लगे सर, डैम्पिंग का, म्यूजिक का, म्यूजिक का, डैम्पिंग, फ्लोरिंग, सीट कवर, मतलब डोर वाइजर, रूफ रेल, स्पॉइलर, पीछे लैग गार्ड वगैरह सारा, मतलब टोटली काम सारा करा है। तो भाई मैं आपको दिखाता हूँ स्टार्टिंग से। अब देश भाई ने तो बता दिया, आपको आइडिया दे दिया रफली कि क्या क्या काम हुआ। अब मैं आपको प्रॉपरली आइडिया देता हूँ कि क्या क्या काम हुआ है इस गाड़ी में अभी तक। फ्रंट में बात की जाए, क्रोम इंस्टॉलेशन हो चुकी है, बम्पर गार्ड लग चुके हैं, इसके बाद व्हील जो है अपने भाई डायमंड कट वाले लगेंगे, जिसको आप हर बार देखते हो कि इसको ब्लैक करके ही डायमंड कट वाले लगाते हैं, सेम एज इट इज़ अभी भी वही फॉलो किया जा रहा है। साइड बीडिंग देख सकते हो आप, कुछ इस तरीके की है, जिसमें वैगनर की बैजिंग की गई है और ऑल इन ब्लैक इंटीरियर एक तरीके का, तो इसमें क्रोम वगैरह कुछ इंस्टॉलेशन नहीं की गई है। पिलर्स का उनको भी ब्लैक किया गया है पूरे के ऊपर, उसके बाद रेन बाजर लगाए गए हैं। और ये है भाई आपके रूफ रिल्स, इसमें दो आते हैं, एक में वैगनर लिखा हुआ आता है कि दूसरे वाले थे, कस्टमर को जो ओनर थे उनको ये वाली पसंद आई तो ये वाली इंस्टॉल हो गई। और ये अपना स्पॉइलर भाई सेम कलर के साथ मैच है, ये देख लो आप, कहीं से भी लगेगा आफ्टर मार्केट है, कोई भी कलर का कोई मिसमैच नहीं है इसमें, और ये सिर्फ नक्कों को टाइट करके ही इसमें इंस्टॉलेशन होती है। उसके बाद भाई पीछे की साइड आप देख सकते हो ब्लैक क्रोम की इंस्टॉलेशन की गई है, जो कि काफ़ी अच्छा और ब्यूटीफुल है। आफ्टर डेट ये आप देख सकते हो बम्पर गार्ड, ये आप देख सकते हो नॉर्मल है, इसमें रिफ्लेक्टर की इंस्टॉलेशन हो सकती है, बट अभी कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं थी। ये आपका भाई जो देखते हो आप, ये है आपका प्रोटेक्टर, जो कि आपके पीछे के बम्पर को प्रोटेक्ट करेगा। और कैमरे की इंस्टॉलेशन देख लो, कैमरे की इंस्टॉलेशन इस तरीके की गई है। और ये था भाई बाहर से, ठीक है, बाहर से आपने देख लिया गाड़ी के लुक ना, काफ़ी एग्रेसिव और मस्त लुक आ रही है। आपको फ्रंट में दिखाता हूँ, ये देखो, और सीधी गाड़ी आई अपने कार डिजाइनर नाहरपुर पे, लोगो ट्रस्ट है तभी हमारे पास आ रहे हैं। अब इंटीरियर में चलते हैं, इंटीरियर में क्या काम अभी चल रहा है। तो भाई ये है सबसे बेस्ट और अभी तक की सबसे प्रीमियम क्लास की डैम्पिंग, जो कि टॉर्क की डैम्पिंग है 1.8 mm की। इसकी भाई आप ये क्वालिटी देखोगे ना, मतलब जो टच करने का फील है ना, वो वीडियो में बता ही नहीं सकता मैं आपको। डैम्पिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से अंदर और बाहर की गई है, एक लेयर अंदर लगाई गई है, एक लेयर पीछे की है। स्पीकर्स की इंस्टॉलेशन देख लो, कुछ ऐसे की इंस्टॉलेशन स्पीकर्स की गई है, और सेम आप देखोगे तो डैम्पिंग डबल साइड की गई है। मैं आपको दिखाता हूँ डबल साइड कैसे है, आपको फील भी कराता हूँ। ये देखो आप, साउंड फील करना, फील किया आपने, फील हो रही है आपको। तो भाई डैम्पिंग का ये है कि नॉइस प्रूफ हो जाएगी गाड़ी आपकी, और जो एक्सटर्नल साउंड है बाहर की वो नहीं आएगी। उसके बाद भाई अभी देखा जाए तो इसमें है, ये है फ्लोरिंग हुई है, फ्लोरिंग की क्वालिटी देख लो, किस तरीके की फ्लोरिंग इसमें की गई है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की। सीएनजी गाड़ी है इसलिए इसके अंदर आपको ये मिलता है, क्या कहते हैं इसको, आग बुझाने वाला एग्जैक्टली बोल नहीं पा रहा हूँ। ये भाई सोनी का स्टीरियो, ये कंपनी से आया है, इसमें कोई इंस्टॉलेशन की नहीं गई है। हैंडल की स्ट्रिचिंग देख लो, कुछ स्ट्रिचिंग हैंडल की इसमें की गई है, आप देख सकते हो। और गाड़ी भाई देखो, ये देखो, सिर्फ और सिर्फ तो सिर्फ 47 किलोमीटर चली है, सिर्फ 47 किलोमीटर अपने कार डिजाइनर नाहरपुर में आई है, लोगो ट्रस्ट है तभी हमारे पास आ रहे हैं। और फ्लोरिंग की क्वालिटी देख लो आप, कुछ इस तरीके की है। डैम्पिंग आपको मैंने दिखाई दी है, इसके बाद आपको दिखा जाए स्पीकर्स, ऑडियो क्वालिटी के काम दिखाऊंगा। अभी आपको ना सीट कवर्स का आइडिया देता हूँ, किस तरीके सीट कवर्स में बने हैं। और भाई गाड़ी का बाहर से कुछ ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा है, अंदर से आपको दिखाई चुका हूँ, फुल इंटीरियर में डैम्पिंग, डबल लेयर डैम्पिंग हुई है, और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी 1.8 mm की डैम्पिंग है। आप फील करो तब आपको इसका क्वालिटी का अंदाजा होगा। और भाई गाड़ी में देखो पूरी नॉइस प्रूफ हो गई है, और फ्लोरिंग आप देख ही चुके हो, सीट अभी बन रही है, सीट कवर्स आपको अभी दिखाता हूँ, आओगे भैया आप। और भैया इनकी गाड़ी है, आपका नाम क्या है? शिवशंकर भैया। शिवशंकर भैया आप कैसे आए यहाँ पे, पहले बताओ। मैं आपकी वीडियो देख के आया था भैया। अच्छा, कौन सा वीडियो देखी थी आपने?
लास्ट सैटरडे जो अपडेट अपलोड हुई थी। हाँ, ये कार डिजाइनर वाली है। कार डिजाइनर वाली। कार डिजाइनर पे और काम कैसा लग रहा है अभी तक, जो काम चल रहा है आपका भी है? भैया बिल्कुल काम परफेक्ट है। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं आई, कोई परेशानी तो नहीं, तसल्ली से काम हो रहा है ना आपका? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आपका मतलब खर्चा वगैरह तो बाद में बात करेंगे, अभी तो भाई काम चल ही रहा है। तो भाई आप एक बार बने रहिए हमारे साथ, इसका जो भी खर्चा वगैरह है वो आपको मतलब कितना क्या हो मुझे भी नहीं पता है, वो आपको प्रॉपर दिखाया जाएगा। और ये देख लो भाई, ये आपके विंडोज पावर विंडोज हैं, कुछ इस तरीके की पावर विंडोज हैं, चारों गेटों में लगी हुई हैं और काफ़ी अच्छा प्रीमियम क्वालिटी का। और सबसे बेस्ट इन क्लास एक काम हो रहा है वो अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ये वाला इसका जो हाँ पार्सल ट्रे है, इसको रिमूव करके एक बहुत ही ब्रिलियंट क्वालिटी की पार्सल ट्रे लग रही है, वो ये देख लो सामान, जिसमें आपका टायर एस तरह फिट हो जाएगा और यहाँ पे आपकी बेस टू हो जाएगी। वो आप रुकिए, आपको दिखाता हूँ प्रॉपरली किस तरीके का। ये देखो भाई फिटमेंट, अभी पूरा काम हो जाएगा, आपको दिखाते हैं कि भाई स्पेस भी बच गया आप सभी का, टायर आपका दिख ही रहा है, यहाँ पे आपकी बेस टू भी आ जाएगी और पूरा आपका मतलब बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का काम है। ये देखो इस तरीके से आप भी बनवा सकते हो। और इसके बाद ना सीट कवर्स दिखाता हूँ आपको, जो कि सबसे बेस्ट इन क्लास सीट कवर्स हैं, वो है भाई ये मैंने अभी वेट करवाया था, ये लगवाए नहीं थे इसी वजह से, क्योंकि आपको चेकआउट करवा दूँ कैसा क्या रिस्पांस है। तो भाई ये है बकेट फिटिंग के सीट कवर्स, इसमें वैगनर की बैजिंग की गई है प्रॉपरली और फिटिंग देखो, ये जो चौक का निशान है ये मिट जाएगा साफ होने के बाद। और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के सीट कवर्स हैं, ना कोई शॉफ वाले हैं, नॉर्मल पाइपिंग है सिल्वर कलर की और कुछ ऐसा रिस्पॉन्स है भाई, लगने के बाद ना मस्त मजा आने वाला है इसमें। और मैट्स वगैरह आपको दिखाऊं, GFX के मैट्स हैं बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के, आपको निकाल के दिखाते हैं, कुछ इस तरीके के होते हैं ये, मतलब अभी रिकमेंडेड है और वैगनार के लिए हैं 2019 वाले जो है, यानी रियर के हैं, और कुछ इस तरीके के मैट्स होते हैं, ये बिल्कुल भी हिलते नहीं है, स्नग फिट हो जाते हैं पूरे के पूरे। पूरी फिटिंग देखो इस तरीके की फिटिंग की जाती है इसके अंदर। और सेम ये है आपके फ्रंट के, इसमें फ्रंट लिखा भी हुआ है, आपको निकाल के एक बार दिखाता हूँ, सौरभ निकाल दिखाई बार। तो भाई इसमें GFX लिखा भी हुआ है और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के हैं, ये एक बार लगवा लिए तो लाइफ टाइम सालों साल चलेगा मैट। और भाई ये हिलता विलता भी नहीं है। अभी कस्टमर मतलब जो ओनर है भाई वो ये वाले मैट लगा रहे हैं जो बेसिक वाले होते हैं भाई, ये रिकमेंडेड हमारी तरफ से, ये आप लगवा सकते हो। और किसी को रेट वगैरह कन्फर्म करना तो इंस्टाग्राम पे DM कर देना, वहाँ पर आपको रेट वगैरह पता चल जाएंगे। और ये पीछे है कुछ इस तरीके का होता है इसमें मैट्स का, इसको इजी टू कैरी कर सकते हो, सारा सामान निकाला बाहर धोया और रख दिया, तो इस तरीके के मैट्स हैं भाई ये। तो भाई अपनी वैगनार 2021 का फुल मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, आप पहले सिनेमेटिक शॉट्स को एंजॉय करो, फिर आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ इसमें इंस्टॉल हुई है और कितना क्या खर्चा है, अपना जो भी अपना ओनरशिप रिव्यू वगैरह सारा आपके साथ शेयर करूंगा। पहले आप सिनेमेटिक शॉट्स को एंजॉय करो भाई, काफ़ी टाइम लग गया इस गाड़ी को मॉडिफाई करने में, और एंजॉय करो आप सिनेमेटिक शॉट्स कैसे लगे और मुझे ज़रूर बताना। सिनेमेटिक शॉर्ट्स आप सभी को कैसे लगे मुझे जरूर बताना। अब बताते हैं कि भाई क्या क्या काम हुआ है। अवधेश भाई इधर आ जाओ एक बार, आप बताओ कि क्या क्या काम इसमें इंस्टॉल किया आपने, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक लेके चलो। सर पहले आ जाओ, ये हमने टेल लाइट क्रोम लगाए हैं यहाँ पे, तो भाई टेल लाइट क्रोम देख लो कुछ इस तरीके के होता है, प्रोटेक्टर, ये फोक लैंप, और साइड में चलेंगे तो भाई ये यहाँ पे डायमंड का व्हील कवर है, और यहाँ पे हमने एक क्लाइडिंग लगाई है। तो भाई एक इसमें वैगनार की बैजिंग होती है, काफी मस्त लगता है देखने में अभी। डोर वाइजर, अच्छा डोर वाइजर हो गए, डोर गार्ड हो गए सर, ये डोर आईपो वाले हैं, आईपो वाले हैं भाई, लिखा भी हुआ है इसके अंदर। और ये रूफ, ये आपका पिलर रैप हो गए, रैप करे हमने सर पहले, और ये आपका अपना रूफ रिल हो गई। तो भाई इसमें दो वेरियंट आते हैं आपको बता चुका था मैं, और ये आपका अपना स्पॉयलर हो गया, पीछे टेल लाइट क्रोम हो गया। और सबसे मस्त चीज दिखाओ जो आपने डिग्गी में लगाई है। हाँ, वो दिखाता तो भाई आपको दिखाते हैं, पहले आप ये भी दिखा दीजिए बाहर लेग गार्ड। हाँ तो भाई लेग गार्ड वगैरह देख लो, कैमरे की प्लेसमेंट देख लो कुछ तरीके कैमरे की प्लेसमेंट है। और ये देखो भाई सबसे जादुई चीज वो है भाई, आपके डिग्गी में स्पेस बना दिया गया है अपना ये वुडन का लगाने के बाद, MDF बोर्ड का, ये हमने स्टेबनीज में आप सामान वगैरह रख सकते हो, पहले ये वैसा था सिलेंडर, ये पार्सल ट्रे ऊपर है, उसके बाद इसमें काफी सारा स्पेस बन गया भाई,
ये आप अपनी गाड़ी में करवा सकते हो। क्यों भाई, किसी भी गाड़ी में जाएगा? किसी में, जिसमें हमें सीएनजी वाली होगी, इस तरीके का वो होगा। हाँ, उसमें लग सकता है। और भाई इसमें टोर की डैम्पिंग लगी है, आपको मैंने पहले दिखाया था, आप भी देख लो, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की। एक बार अगर चिपक गई तो उतरेगी नहीं है, बहुत जबरदस्त डैम्पिंग। तो भाई डैम्पिंग देख लिया आपने, अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। आप आओ इस पे ड्राइवर सीट पे, मैं आता हूँ साइड वाली सीट पे। और भाई नीचे फ्लोरिंग, ये फ्लोरिंग है भाई, ये आपके नॉर्मल बेसिक वाले सस्ते वाले मैट, सस्ते टिका हुआ है, सस्ते समझो टिका हुए हैं। और ये भाई ये सीट कवर है, सीट कवर है। अच्छा, ये रैप किया हमने स्टीयरिंग कवर। भाई आप देख सकते हो स्टीयरिंग रैप किया गया है, और कुछ इस तरह इसमें रैप किया गया है, सिल्वर स्ट्रिच की गई है। और आपका ये अपने सोनी का भाई, ये कंपनी से आया था, कंपनी से आया है। हाँ, हम झूठ नहीं बोलेंगे भाई, हमने लगाया। कुछ लोग होते ना झूठ बोलने, मिस गाइड कर रहे हैं। ये भैया ने इसलिए लगा लिया क्योंकि गाड़ी मिल नहीं रही थी। हाँ हाँ, उन्होंने शर्त रखी थी कंडीशन की, आप स्टीरो वगैरह लोगे तो भाई ये वाला अच्छा है वैसे, ठीक है, पर काफी महंगा पड़ा है, बहुत महंगा पड़ गया भाई। सीट का पीछे देख लो, कुछ इस तरीके का व्यू आ रहा है। और अब आपको सुनाते हैं एक चीज और दिखाने, डैम्पिंग का फर्क दिखाते हैं एक बार। तो डैम्पिंग वाइज में 9 शीट लगी है टोटल टोर की, फील आपको हो गया होगा कि भाई किस तरीके का रिस्पांस है। अब आपको ना एक बस के म्यूजिक की आवाज सुना देते हैं और फिर वीडियो क्लोज करते हैं कि भाई किस तरीके का काम इसमें म्यूजिक में आउटपुट कैसा है। तो एंड से गाना सुनो भाई, और अगर आपको पंजाबी का सुना तो इंस्टाग्राम फॉलो करना। भाई गाड़ी का सारा काम कंप्लीट हो चुका है, म्यूजिक की आवाज आप सुन चुके हो। अब बात करते हैं शिव शंकर भाई से, और अवधेश भाई साथ में, और सारा काम अपना जो भी हुआ वो कार डिजाइनर नाहरपुर में। इस नाम को भाई नोट कर लो, अपनी डायरी में लिख लो। पहली क्वेश्चन ये है भाई, काम कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा भैया है, बहुत अच्छा। फुली सेटिस्फाइड हो आप? फुल्ली, मतलब कोई ऐसा, हम तो नहीं बोल रहे आपको कि भाई ऐसा बोलो वैसा नहीं, बोलो नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना, बिल्कुल नहीं। आप मतलब सेटिस्फाइड हो ना काम से? बिल्कुल भैया, पूरी तरीके से। हालांकि आपने ये तो बाहर से लगवाया था, कोई बात नहीं, बट एंड्रॉइड भी लगा सकते, रिकमेंडेड, काफी अच्छा लगता है एंड्रॉइड। और भाई अवधेश भाई ये बताओ किस गाड़ी में कितना खर्चा आया है? मोन्टी भाई इसमें 35,000 रुपए खर्चा आ चुका है अपना। तो भाई आप ये बताओ, ये आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है इतना काम जो करवाया आपने? डैम्पिंग करवाई है, अभी आर्मरेस्ट भी लग गया है, और इतना सारा आपने एक यूनिक काम करवाया डिग्गी में, जो पार्सल ट्रे है जो दूसरी बनवाई है, और क्रोम वगैरह हो गया, ब्लैक क्रोम। तो कैसा क्या ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका? बिल्कुल 100% ठीक है सर। मतलब अपने दोस्तों को रिकमेंड करोगे आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल ना, बिल्कुल। 1.5-2 महीने बाद फिर एक और गाड़ी आनी है। बिल्कुल भाई, वैगनार ही है, वैगनार ही आनी है भाई। आप देश भाई को वैगनार का किंग बना देंगे, ऑल्टो किंग तो बना चुके हैं, वैगनार किंग बनाएंगे हैं। और भाई ठीक है, थैंक यू सो मच भाई, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और भाई अगर आपको भी अपनी किसी गाड़ी को मॉडिफाई करवाना है तो कार डिजाइनर नाहरपुर में आ सकते हैं, वहाँ पे अवधेश भाई मिलेंगे आपको, या व्हाट्सएप वगैरह मैसेज करो तो रिप्लाई मिल जाएगा आपको। डिस्क्रिप्शन नंबर दे रखे हैं, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अभी के लिए इतने दोस्तों, जय हिंद जय भारत, आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो में।